हाँ जी बेटा, मैं बता दूं कि मैथ्स का पैटर्न जो है क्लियर कट सीबीएसई की तरफ से आ गया है। कोई असर्शन रीजनिंग नहीं आनी, नो असर्शन रीजन, ठीक है। और एक केस स्टडी है, ओनली वन केस स्टडी, ओनली वन केस स्टडी विल कम। और पैटर्न हमारे पास क्या है, थ्री सेक्शंस में पूरा पेपर होगा, ठीक है। और फर्स्ट सेक्शन जो है बोर्ड में, तो नो डाउट हमारे पास 20 MCQs आएंगे और आपने 16 अटेम्प्ट करने हैं, बट स्कूल के पैटर्न में हम 16 ही डालेंगे, 16 ही अटेम्प्ट करने। नो इंटरनल चॉइसेस देयर। नहीं बेटा, हम कभी भी इंटरनल चॉइस नहीं देते। ओके, बोर्ड में जो भी होगा, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसा है, कि सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस, ओके, सेक्शन बी में भी 16 क्वेश्चन, और सेक्शन सी में बेटा मेरे पास जो है 8 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर वन केस स्टडी होगी, ओके, और एक 4 क्वेश्चंस जो है वो अलग होंगे। केस स्टडी में 4 और एक, सिर्फ वन केस स्टडी आनी है। दैट मीन्स सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप, वैसे तो वो नहीं होने, बट असर्शन रीजन नहीं, ज्यादा केस स्टडी नहीं, ओनली वन केस स्टडी, तो बी प्रिपेयर। है ना, ये भी हो सकता है कि बोर्ड में जो पैटर्न आया उसमें वन केस स्टडी है, बट दो केस स्टडी भी हो सकती है, आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। हाँ जी बिल्कुल, अगर दोनों केस स्टडी डाल देंगे तो वो ये सेक्शन जो है पूरा केस स्टडी का, मतलब 8 मार्क्स का। बट अगर मैं सैंपल पेपर को देखूं तो उन्होंने एक ही केस स्टडी डाली है और एक में उन्होंने जस्ट 4 क्वेश्चंस आ। ओके जी, क्लियर बेटा? कोई असर्शन रीजनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं बेटा। अच्छा वो भी बताती हूँ कि व्हाई दे मेड सेक्शंस। जितना मैंने सैंपल पेपर में ऑब्जर्व किया है ना, जो सेक्शन ए है ना उसमें कैलकुलेशंस कम है, जो उन्होंने सैंपल पेपर डाला है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सेक्शन ए में कैलकुलेशंस बिल्कुल कम है, सेक्शन बी वाले में कैलकुलेशंस है। ये जो सैंपल पेपर को अगर हम देखें तो उन्होंने ऑब्जर्व किया। मैं सैंपल पेपर करवाने लगी हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट अस डू, मेरे पास जो है, अगर आप, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है तो आप साइड बाय साइड ओपन कर सकते हो बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेरे पास जो है, लेट अस डू मिस्टेक्स जो है मेरे पास जो है, लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा मेरे पास क्या दिया हुआ है, देखिए, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स मेरे पास 1/2, ओके जी। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है मुझे ये बताना है बेटा। अब देखिए बेटा, सबसे पहले मेरे पास जो है दिया हुआ है, जस्ट वेट बेटा 1 मिनट, मुझे सैंपल पेपर।